माय स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का एग्जाम यूजीसी नेट री एग्जाम हो चुका है एंड एज आई गेट द इन्फॉर्मेशन आई गेट टू नो दैट आपका जो एग्जाम था वो मॉडरेट टू टफ था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते और इसको बहुत टफ एग्जाम भी नहीं कह सकते। अगर हम पेपर वन पेपर टू का एक मेल जोल मिला के देखें तो आपका जो पेपर था दैट वॉज मॉडरेट। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक यही है। पेपर वन में भी आपके जो क्वेश्चन थे काफी ट्रिकी आए हैं, काफी हद तक रिसर्च और टीचिंग के काफी ट्रिकी क्वेश्चन थे, स्पेशली कम्युनिकेशन के काफी ट्रिकी क्वेश्चन सुनने में आए हैं। बट इंग्लिश के पेपर को मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। जून में वाले एग्जाम के जो आपका क्वेश्चन पेपर था और इस बार का है, दोनों में ही गे लेस्बियन राइटर्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट मींस जेंडर स्टडीज एंड एलजीबीटीक्यू को आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा। ब्रिटिश और अमेरिकन के ट्रेडिशनल राइटर्स बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है दैट इज ऑन मोर ऑन वर्ल्ड लिटरेचर राइटर और उनके कॉन्टेम्प्रेरी इशूज जो भी आपके रेज किए जा रहे हैं राइटिंग्स के अंदर वो पूछे जाते हैं। सो अमेरिकन एंड ब्रिटिश के जो ट्रेडिशनल राइटर्स पे हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमें वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा और अदर राइटर्स के ऊपर भी इसको फोकस करना पड़ेगा। अपने दिसंबर के प्रिपरेशंस में ये स्ट्रेटेजी हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट आप लोगों का जो इंडियन एंड अदर एंशियंट इंडियन राइटिंग है और जो का एस्थेटिक राइटिंग्स है उसमें से काफी क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, बट इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आए विच इज गुड। बट इसमें एक चीज जो सोचने वाली बात है दैट इज कि इसका मतलब आप लोगों का कट ऑफ भी हाई जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।